हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमन। सुमन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप लोगों की स्वागत है। गाइस, आज की जो वीडियो की टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गाइस इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर। आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कुछ इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर जो जरूरी सवाल है। ओके, तो उसी सवाल का हम आंसर देंगे आज की इस वीडियो में। ओके, तो फिर चले गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर अगर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर चले गए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था बिना एटीएम कार्ड के आप लोग किस तरह से इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और बिना एटीएम के आप लोग किस तरह से इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो घर बैठे ही। तो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा और इस वीडियो में कुछ कमेंट ऐसा आया जिसका आंसर मुझे देना जरूरी है, इसलिए गाइस आज का ये वीडियो बनाया हूँ। ओके, तो गाइस यार सबसे पहला जो कमेंट है गाइस एक बंदे ने किया था और उस कमेंट में उसने पूछा था, हम जब इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करते यानी जब हम इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को अप्लाई करने के लिए जाते हैं वहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह डालते हैं, आईपीसी कोड डालते हैं, होल्डर नाम डालते हैं, साथ में बहुत वगैरह वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब डालना पड़ते हैं। डालने के बाद जब हम अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं उसके बाद जो एक कोड नंबर मिलते हैं उस कोड नंबर को लेके क्या हम लोगों को बैंक में खुद ही जाना पड़ेगा या फिर जिसके नाम से अकाउंट है उसी बंदे को जाना पड़ेगा बैंक में? ये बताइए मुझे। काफ़ी कमेंट इसी के ऊपर आते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसकी नाम से अकाउंट है यानी बैंक में जिसकी नाम से अकाउंट है उसी बंदे को ही जाना पड़ेगा बैंक में वही कूट लेके। ओके, अगर गाइस आपकी अकाउंट को किसी और ने यूज़ किया है इंटरनेट बैंकिंग के लिए और वो बंदा कूट नंबर लेके बैंक में जाता है अप्रूवल के लिए, ऐसा होगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अप्रूवल नहीं मिलेंगे। ओके, और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और भी काफ़ी लोग बोलते हैं कमेंट में, भाई हम जब भी उस कोड नंबर को लेके बैंक में जाएंगे क्या हमसे कोई वेरीफाई के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछेंगे बैंक वाले? तो हाँ गाइस, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ले भी सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, आपको बता देना चाहता हूँ। ओके, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ले भी सकता है, तो आप एक काम कीजिए, आपका जो भी पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सब ले जाइए, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए चेक भी कर सकते हैं ओके बैंक वाले, इसलिए ले जाना बहुत ही जरूरी है। ओके, उसके बाद बात करते गाइस तीसरी सवाल, काफ़ी लोग पूछते हैं भाई हम कोड नंबर को बैंक में जाके अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया, केवाईसी वगैरह डाल दिया उधर, ओके, बट हमारा जो इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट है वो कब तक अप्रूवल होगा और हम लोग कब तक एक्सेस कर पाएंगे इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को? आपको तो गाइस दो तीन दिन इंतजार करना ही पड़ेगा, दो तीन दिन के बाद आसानी से आपको अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद आप आसानी से इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। बट एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभार जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ओके, एक बात पूछते हैं काफ़ी लोग, जो हमने कूट लेके बैंक में जमा कर दिया और 7-8 घंटे के बाद क्या ओपन होगा? हाँ, हो सकता है अगर बैंक वाले जल्दी जल्दी वेरीफाई कर लेंगे उस चीज़ को तो जल्दी जल्दी आप इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट का एक्सेस कर पाएंगे। ओके, और आपका इंटरनेट बैंकिंग जल्दी ओपन हो जाएगा। ओके, 6-7 घंटे के बाद तो ओपन हो जाता है किसी किसी लोगों का, बट कुछ कुछ लोगों का देर होता है थोड़ा। ओके, जिस वजह से उन लोगों को 2-3 दिन लग जाता है इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट ओपन करने में। ओके, तो वो लोग जो यार फॉर्म वगैरह होते हैं कोड नंबर वगैरह लेके जो बैंक में जमा देते हैं गाइस उसको यार एक्सेप्ट करने में बैंक वाले थोड़ा लेट कर देते हैं कभी कभार, जिस वजह से इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट जल्दी से आपका ओपन नहीं हो पाता, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ओके, तो गाइस यही तीन सवाल था यार, काफ़ी लोग यही पूछ रहे थे कमेंट में, तो इसी का आंसर मैं आप लोगों को दे दिया हूँ आज की इस वीडियो में। और भी गाइस अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो, हम उसके ऊपर जरूर आपको वीडियो बनाएंगे और डेडिकेट आपको डिटेल्स देंगे और बताएंगे। ओके, तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर खत्म होता है, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो अगर पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए, दोस्तों को इस में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो गाइस चलिए अभी के लिए दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ में किसी और नए वीडियो में किसी और नए टाइम पे किसी और नए समय पे। जय हिंद, वंदे मातरम।